हेलो दोस्तों, कैसे सारे, स्वागत है पार्ट 3 में। सो अपने आज वाले पार्ट में करेंगे पेंट और रेगमार का काम। सो पहले वाले दो पार्ट आपने देख लिए, सो स्वागत है पार्ट 3 में। इस पार्ट में बस अपने चेसी और टैंक वगैरह को पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए पहले अपने करेंगे उसको साफ करने के बाद उस पर करेंगे पेंट। पेंट की डिटेल में सारा कुछ बताऊँगा, कौन सा पेंट करूँगा, कौन सा क्या करूँगा, पेंट की सारी डिटेल और ए टू जेड कहाँ से क्या कुछ किया है तो वह सारा दिखाऊँगा। तो बने रहना ब्लॉग के एंड तक। तो करते हैं ब्लॉग को शुरू। तो सारा अपना वेल्ड शेल्ड का काम पूरा हो चुका है, अब इसको कर लेंगे एक बार हाई प्रेशर से वॉश, ताकि जो सारा इसमें जो मिट्टी वगैरह है वो सारा निकल जाए। पहले एक बार वैसे वॉश कर लेता, फुल हैवी से वॉश करेंगे, फिर इस पर रेगमार का काम चालू करेंगे और फिर पेंट का। तो जल्दी से मैं फटाफट कर लूँ वॉश, फिर मिलता हूँ आपको आगे। सो लगभग सारा सामान धोया गया है, नीचे वाला स्विंग आर्म, इंजन, वो दो तीन इसकी माउंटिंग्स है, चेसी, शोकर्स और उधर ये हब्स रह गई हैं और रिम्स रह गए हैं, इनको मैं फटाफट धो लूँ। बाकी सारा काम अपना तैयार है, फिर करते हैं घसा घसा एक साथ पेंट का काम स्टार्ट। और इसका टैंक में फॉल्ट निकला है, एक साइड पेंट है और नीचे से तेल की दिक्कत है। तो देखते हैं, तो टैंक बदलेंगे एक बार, इसे पेंट वगैरह कर लें, फिर इसे करते हैं टैंक को। इनको टायर्स को ही पोस्ट करूँगा इसके बाद। टायर्स तो अपने आपको दिखाई दिए थे मैंने, शायद दिखाई दिए हों, ये वाला टायर्स है। एक बार और इसका मैं अच्छे से रिव्यू दे दूंगा आपको, एक बार मैं वॉश कर लूँ। अपोलो के टायर है 198 न्यू ग्रिप कुछ ऐसी, फ्रंट बैक दोनों में 198। ये शुक्र वगैरह, रॉड वगैरह, सारा सामान, लाइट्स और ये चीज़ें पड़ी, पैनल्स, इनको भी अपने करेंगे, एक बार वॉश कर लूँ अच्छे से। सो सारा सामान कल धो लिया था और ये धूप में सुखा के अंदर यहाँ पे रख लिया था, ताकि शाम को उसके ऊपर ओस वगैरह पानी वगैरह ना आए। और ये इसके शोकर हैं, इनकी अपने राड़े ये पड़ी दोनों नई, ये राड़े डाल लें और इसको कर लें तैयार। दोनों शोकरों को खोल के इनको साफ करके फिर फिक्स कर देंगे, फिर इस पर कर देंगे पेंट। तो इनकी बारी है, इनको मैं कर दूँ तैयार, बाकी अपना सारा काम पेंट का है। तो धूप देखते हैं, अगर निकली तो आज ही पेंट का काम स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो फिर आज एक बार साफ ही कर लेंगे रेगमार वगैरह से। तो चलिए ये वाला काम कर लें आज पहले। सो इनमें कुछ चेंजेस करने हैं वो आपको मैं बता दूंगा। एक तो ये रबर कैप्स, जो ऊपर कैप्स होते हैं डस्ट कैप, ये निकलेंगे, और जो दूसरे लगेंगे अंदर वाले, अंदर इसके सील है, ऊपर जो प्लेटिना कहते हैं जिसके अंदर रहते हैं वो वाले लगेंगे आएंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर लगते हैं। तो यहाँ पर अपने वो दूसरे रबड़ लगाएंगे, बूट वाले जो ऐसे रबड़ होती है, इनको कवर करेंगे शोकर्स को। तो वो वाले अंदर वाले रबड़ सील्स डालेंगे, वो भी आपको दिखा दूंगा जब डालूंगा। इनको निकाल के एक बार खोल लेते हैं, ये ऊपर से खोल के फिर इसके अंदर से खोलेंगे, और खोल के सारे को क्लीन वगैरह करके फिर नई रोड डाल देंगे, और उसके बाद वो अंदर वाला, फिर ऊपर वाले बूट बाद में डाल देंगे जब अपन पेंट कर देंगे। तो इसको एक बार ये डाल दें, क्योंकि अगर बाद में इसको राड वगैरह डालेंगे तो इसका जो पेंट है वो ख़राब हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा पटका पटकी करेंगे, थोड़ा सा सील वगैरह निकालेंगे तो पेंट ख़राब होने का डर है थोड़ा सा। तो अपने इसको पहले ही कर लेंगे, फिर ऊपर सील्स पे वो लगा देंगे टेप लगा देंगे सारे रोड और सील पे, और बाकी सारे वैसे एक पेंट कर देंगे। तो इसको खोल के अच्छे से कर देंगे बंद। सो इसे खोलने के लिए इसके अंदर एक होता है नट एल की वाला वहाँ पे, तो ये रहा वो एल की वाला बोल्ट, इसको खोलना है। और इसके अंदर एक ये होती है इसके ऊपर लगी हुई, इसके ऊपर ये चीज़ लग के इसके ऊपर, फिर ये ऐसे लगा होता है और नीचे से एल की वाला बोल्ट लग जाता है। बस इसको नीचे से खोल लेना है और ये सारा बाहर आ जाएगा। इसके अंदर एक वाशर भी है, वो अंदर ही चिपकी हुई है, वो निकल नहीं रही। तो बस इसको खोल लेना है, ये सील है, ये सील अपने चेंज करेंगे और इसको ऊपर डस्ट कैप लगाएंगे, वो आपको एक बार और बता दूंगा। एक बार इसको खोल लूँ अच्छे से। खोलने के लिए नीचे से एक बोल्ट खोल लेना है आपने इससे पकड़ के, और वो अंदर से एक निकला है, ये अपना बोल्ट हो गया। और अब इसको खोलेंगे ऊपर वाली साइड से, इसको पहले से ऊपर लूज किया हुआ बोल्ट को जब खोला था तब ये लूज था। तो इसको खोल के इसके अंदर एक और होता है एल की वाला, उसे भी खोलेंगे, और स्प्रिंग और अंदर का सामान वो भी बाहर निकालेंगे। तो ऊपर से वो बोल्ट खोल दिया है और ये वाला नट एल की से खुल जाएगा, हल्का ही होता है एल की से, बस ये वाला खोल देना है और अपना स्प्रिंग भी बाहर आ जाएगा। इसको मैं जब फिक्स करूँगा तो आपको अच्छे से दिखा दूँगा एक बार। और वैसे आप इसकी वीडियोज़ जैसे शोकर वगैरह की आप और यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देख सकते हो, आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगा कुछ, मेरे पास स्टैंड वगैरह नहीं है वीडियो बनाने के लिए, नहीं मैं आपको और अच्छे से दिखाया था। तो अच्छा यही रहेगा कि आप YouTube से और अच्छी वीडियो देख लें शोकर की,
और ये देखो यहाँ से ये शोकर ख़राब है, रोडस ये बिल्कुल यहाँ से स्क्रैच है यहाँ से, तो चल भी जाती और रिस्क रहता बहुत ज़्यादा लीक होने का, यहाँ से लीक है ये, लग भी लोकल रही है ये रोड्स मेरे को ओरिजिनल नहीं है, यहाँ से बहुत ज़्यादा दाग है ये रहे दिख रहे होंगे, तो लीकेज की दिक्कत रहती है तो इसलिए इनको चेंज ही करेंगे। सपना सारा सामान पेट्रोल से धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसका ये नया सामान, ये दो इसकी ओरिजिनल सिले बजाज की थोड़े ऊपर के डस्ट कैप, ये वाले डस्ट कैप अपने लगाएंगे जो इसके ऐसे अंदर रह जाएंगे ऐसे, और ऊपर वो अपने वाले बाइक की तरह बूट लगाएंगे तो वो बूट होते हैं जो इसके ऊपर चलते हैं वो, तो अपना ये वाला काम ऐसे करेंगे। दो सिले हो गई, दो डस्ट कैप हो गए और ये ऑयल 350 ml, ये दोनों में आधा आधा डल जाएगा, और ये दोनों ओरिजिनल रोड्स इंडोरेक्स की जो अपने ओरिजिनल लेते हैं उसमें भी इंडोरेक्स ही आती है तो थोड़ी सस्ती मिल जाती है ये, लगभग ये दोनों 1100-1200 की पड़ी हैं, वो 1300-1400 की पड़ रही थी, 250 का फर्क पड़ जाता है, तो ये ओरिजिनल रोड्स ओरिजिनल इंडोरेंस, तो ये लगाएंगे वो शायद पहले वाली लोकल थी, तो ये वाले रोड लगाएंगे अच्छा वर्क करेंगे पहले से, ऑयल की लीकेज वगैरह नहीं रहेगी, ऑयल पहले दूसरा हैवी ऑयल डाल खत्म होता गाढ़ा था और ये वाला जो होता है ये पतला होता है, स्पेशली शोकर्स का है और वो इंजन ऑयल था शायद या सी एल होगा मेरे को नहीं पता कौन सा था, तो अपने एक बार ये वाला लगाएंगे, तो इसको मैं जल्दी जल्दी कर लूँ फिटिंग, पहले ये सील्स लगाएंगे दोनों, पहले सील फिर लॉक फिर ऊपर वाली सील और फिर यार्ड वगैरह, आप अच्छे से कोई और वीडियो देख लेना शोकर वगैरह की, तो मैं एक बार इनको जल्दी से कर लूँ फिट। शोकर वगैरह अपने कर दिए फिक्स, इनके डस्ट के बाद में लगाएंगे पेंट करके, यहाँ पे एक बार टेप लगा देंगे रोड पे और डस्ट के बाद ऊपर से सीधे डल जाता है और ऊपर से भी इसका ये दोबारा लगा देंगे, इसको एक बार सैंड वगैरह करता हूँ मैं सारे पार्ट्स को, अब करता हूँ सारे पार्ट्स को एक बार से सैंड और उनके बाद करेंगे पेंट, पेंट ही आपको दिखा दूँगा कौन सा किया है। चलिए सब करते हैं अपना इसका काम, और ये तो दोनों आपको बता ही दिए मैंने कैसे कैसे क्या है, सील्स वगैरह डाल दी, डस्ट कैप इसके बाद में लगेंगे, बाकी अब पेंट का काम करते हैं शुरू, धूप भी निकल चुकी है तो करते हैं पेंट का काम शुरू। तो अपने ये सारी पत्ती वगैरह ग्राइंडर मार रहे हैं, इधर अपना फिंगम पे साफ कर रहे हैं और इधर अपनी पत्ती वगैरह, बाकी थोड़ा मतलब सामान पहले करके मैंने वहाँ पर टांग लिया है, वहाँ पर लटका दिया सारा को सबको तार से, और वही पेंट करेंगे साइड की जगह साफ करके वहीं पे लगा रहे हैं, और ये थोड़ा सा सामान और रह गया, पहले एक बार ब्लैक है जितना भी केसी ब्लैक है, ये जितने भी सारे ब्लैक पार्ट्स हैं ब्लैक पार्ट्स करेंगे, फिर अपने रिम्स वगैरह को करेंगे, एक बार सब ब्लैक पार्ट्स को फ्री कर दें और कर रहे हैं सफाई, फिर मैं दिखाता हूँ आपको आगे बढ़ा पेंट का सीन। सारे पार्ट्स को अपने यहाँ पे तार पे बांध लिया है, कंप्रेसर चालू कर लिया है, अब करेंगे पेंट सारों को कर देगा, हम आगे एक केसी रह गई है ब्लैक वाली, बाकी सब चीज़ तैयार है, करेंगे पेंट। सो थोड़े स्पार्ट्स पे पेंट कर दिया है टैंक और गन, ये रहा अपना 2K थिनर 2K पेंट है सारा, सो ये रहा 2K ब्लैक, ये रहा 2K थिनर, और ये 1000 रुपये का हाफ लीटर है, बाकी 250 रुपये का ये आता है और ये भी शायद 250 का ये है, तो 100 ml में 25 ml ये डाला है और 25 ml ये ही डाला है, 25-30 कर सकते हो, 30 ये भी कर सकते हो, 100 ml में 30-30 ये दो चीज़ें डाली हैं, बाकी अपने हिसाब से आप करवा लेना, एक तो हार्ड देना मैंने 30 डाला है और ये 30 ये डाला है, थोड़ा सा 30 से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, बस बाकी पार्ट्स पे कर दिया। सो ये अपनी चीज़ें सूख के रेडी हैं, बिल्कुल अच्छी फिनिश आ रही है कुछ ऐसे, तो इनको करते हैं डन, अंदर रखते हैं और बारी है अपनी चेसी की, तो आज तो अंधेरा हो गया, कल धूप निकलेगी,
तो कल अपने चेसी करेंगे और इसके साइड वाले पैनल्स करेंगे और इन चीज़ों को अपने उतार के रख देते हैं। ये अच्छे से दो दिन सूख जाएंगी, इसने अपने दो दिन में वो काम होएगा, तो उनको फटाफट उतार के अंदर रखते हैं। सो अपना ये वाला सामान अंदर रख दिया है, शाम हो गई है, बाकी करेंगे अपने कल सुबह। ये वाला इतना ही था, सुखा दिया, बाकी देखेंगे कल पेंट की। आपको एक और बार डिटेल दिखा दूँ मैं, मैंने 100 ग्राम ये डाला था, 25 ये डाला था और 30 डाल लो, 40 डाल लो, लगभग यहाँ पे ये डाल सकते हो आप। थोड़ा सा आपको लगता है कि गाढ़ा है तो थोड़ा सा डाल सकते हो। वैसे तो मेरे को, मैंने किसी से पूछा था पेंटर से, अच्छे पेंटर से, तो उसने तो ये बताया था कि 25 या 30 ये सर्दी है तो 30 डाल सकते हो या 25, और मैंने 30 डाला है और इसका मैंने 40 के लगभग डाल दिया था, 40 ये डाल दिया था और 40 के बाद थोड़ा सा और डाला था मैंने जो उसमें रह गया था, तो उस पर थोड़ा सा और डाल के फिर 40-50 ml ये बस, क्योंकि ये तो जब अपने स्प्रे करते हैं तो उड़ी जाता है लगभग, तो आप ध्यान से थोड़ा सा पेंट कर सकते हो। 2K ये भी फुल बढ़िया वाला, वैसे बढ़िया क्या के लिए है, बाकी क्या पता कैसा है। ये हार्डनर है, ये ब्लैक पेंट है, बस ये तीन चीज़ें इसमें डलती है ब्लैक में। मतलब मोटे मोटे पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, इतनी बहुत ज़्यादा नॉलेज तो मेरे को भी नहीं है, बस इतना सा ये था। और बाकी एक चेसी का मैं एक और कर रहा हूँ, जैसे पहले अपनी सीट यहाँ पे थी, ये भी मैंने काट दी, मतलब अपना फ्रेम बिल्कुल सीधा कर दिया, पीछे से कुछ नहीं दिखेगा फ्रेम के अंदर। तो जो सीट है वो मेरी पहले वाली तो यहाँ पे लगी हुई है इन माउंटिंग पे, पहले अपने वीडियो से देखी हुई मेरी, और अब की बार लगा देंगे यहाँ पे, एक पत्ती लगा देंगे कोई छोटी सी इस टाइप, और सेंटर में जैसे दिखेगी नहीं बिल्कुल, साइड में चेसी भी नहीं दिखेगी, जैसे अपनी सीट लग गई वो प्लाईवुड का जैसे लगेगा वो, तो यहाँ पे एक बोल्ट कर देंगे बस, यहाँ पे एक बोल्ट से अपनी सीट फिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये खोलनी तो होती नहीं, एक बार फिक्स होगी तो होगी, बस यहाँ पे एक बोल्ट वाली कर देंगे, यहाँ से साइड में पत्ती कुछ नहीं दिखेगी। पीछे वाला मैंने आपको दिखाई दिया था इंडिकेटर वगैरह का, इसको सुबह करेंगे, और ये वाले तो मैंने ग्राइंडर से कर दिए साफ, ये तीनों चीज़ें कर दी। रिम्स रह रहे हैं वो साइड में, चोकर पड़े, चोकर भी मैंने कर दिए रेगमार से, और सुबह इनको भी पेंट करेंगे। और टैंक में ले आया था एक एक्स्ट्रा, ये रहा, ये कोर टैंक में ले आया था, ये मेरे को यहीं से मिल गया था, अच्छा ही 400 में दे दिया किसी ने, किसी मिस्त्री के पास पड़ा था। और इसमें तो आपको भी साथ दिखाया था मैंने कि इसकी साइड में पुट्टी भरी हुई है, ये अपने को टैंक काम नहीं देगा, लीक होने का चांस होता है, इस साइड से लीक है थोड़ा सा, तो इसको रिजेक्ट ही कर दिया। और ये वाला अपने करेंगे, इसमें कोई बस डेंट तो है, डेंट तो निकालने पड़ेंगे, बाकी वैसे ये सही है, कंडीशन इसकी अच्छी है, तो ये वाला पेंट करेंगे अपने। और पैनल्स हो रहे, पैनल्स को भी करेंगे पेंट, बाकी सुबह पहले इनको कर लेंगे, इनको कर देंगे, रिम्स को कर देंगे, इनका काम एक साइड से पहले डन कर देंगे, फिर अपने इन पैनल्स का काम रह जाएगा, वो सुबह वो चीज़ें डन कर देंगे, ये चीज़ें डन कर देंगे कल, मतलब इतना काम अपने करेंगे, शोकर्स, रिम्स, ये तीनों, ये, और हो सका तो इंजन भी, तो ये सेम पेंट है ना, तो उसी के साथ का पेंट अपने इसको भी कर देंगे। टैंक और पैनल्स का अपने बाद में अपने हिसाब से देख सकते हैं, मतलब एक बार जो अपने पेंट करने लगे वो वाला अपने डन ही कर देंगे, दूसरी बार उसमें गंद में डालना ही ना पड़े। तो ब्लैक का चल रहा है, कल भी ब्लैक करेंगे, उसके बाद फिर डन ब्लैक का, फिर उसको करेंगे सिल्वर, और टैंक अपना अपने वाले के जैसा, जैसा अपने उसका ग्रे है तो ऐसा ही ग्रे कर देंगे इसको भी। सो आज होगी शाम, ये ब्लॉग था यहीं तक, बाकी आगे मैं आपको सीन दिखा दूंगा, अगर वीडियो लंबी होती हुई तो मैं इसके पार्ट्स बना दूंगा, जैसे एक का पार्ट्स मैंने ओपन का बना ही दिया, और अब जैसे जैसे इसको फिक्स करता जाऊँगा वैसे वैसे इसको बढ़ाता जाऊँगा। एक पार्ट्स तो मैंने उसका डाला, मतलब इसको खोलने का, अब दूसरा इसका ये पेंट वाला आ गया पेंट का, फिर अपने इसको जब इसको वो करेंगे, पहला खोलने का, दूसरा पेंट का, तीसरा इसको फिक्स करने का। सो मिलते हैं कल सुबह। सो ये ब्लॉग था यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जो कुछ रह गया है वो अपने अगले ब्लॉग में पूरा करेंगे। सो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और कमेंट में अपना सजेशन जरूर देना भी, कौन सा मॉडिफिकेशन किया जाए, कौन सा क्या किया जाए। सो मिलते हैं अगले पार्ट में, सो उसके बाद करेंगे अपना असेंबलिंग का काम, जो काम रह गया है आगे वाले पार्ट में ख़त्म करके इसको करेंगे असेंबल। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।